भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब पूरी होगा। अब देखो यार, यहाँ पे फाइनली नया सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड अपन ने सीजन के साथ ही अपनी जो रैंक पुश है उसको भी स्टार्ट कर दिया। फिलहाल यार यहाँ पे मैं डायमंड 5 पे पहुँच चुका हूँ। बाकी यार आप लोग का रैंक टीयर अभी क्या चल रहा है एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। बाकी यार अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो भाई जब से ये अपडेट आया है ना, लिटरली भाई इतने ज़्यादा ग्लिचेस आ रखी है ना गेम में। ऊपर से यार यहाँ पे हैकर्स भी कम नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। लेकिन यार फिर भी अपन ट्राई करेंगे ये वाले सीजन में #1 करने का। ऑब्वियसली भाई हर बार की तरह इस बार भी इजीली अपन #1 कर ही लेंगे, उसमें तो यार यहाँ पे कोई पूछने वाली बात नहीं है। अब गेम की बात करें ना, तो देखो ये वाला जो गेम रहने वाला है ना, ये सीजन का मेरा फर्स्ट गेम था। मैं जस्ट आरबी मैक्स किया था एंड उसके तुरंत ही बाद ये वाला मैच यहाँ पे मैंने लगाया था। तो अब ये वाला मैच ना कितना खतरनाक होने वाला है ना, वो बस देखो। एंड इसमें ना भाई जो नीड्स रहने वाले हैं ना अपने, वो नीड्स बस देखते जाओ कि कैसे कैसे अपन बंदों को भरते। फिलहाल तो देखो यहाँ पे ना मेरे जस्ट पास में एक ड्रॉप गिरा होता तो मैं सीधा ड्रॉप लूटने आता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा पहुंच चुका था और अब बंदे ने यहाँ पे ड्रॉप में से MG3 उठा ली थी। तो यहाँ पे MG3 वर्सेस भाई UMP होने वाला है। और भाई ये वाले बंदे को भी इजीली भर देते। बाकी यार UMP ना आजकल इतनी अनबीटेबल हो चुके ना, माँ कसम भाई मैं यहाँ पे MK हो गया, ग्रूजा हो गया, MG3 हो गया, ये कोई गन उठा ही नहीं रहा। लिटरली भाई मैं इनमें से कोई सी भी गन नहीं उठा रहा। अगर मेरे पास UMP है तो बस वो इनफ है, बाकी आगे का गेम मैं खुद ही संभाल लेता UMP के साथ। क्योंकि भाई एक बार अगर UMP आ गया ना तुम्हारे हाथ में, फिर तुम भाई अगर तुमको चलाना आ गया ना UMP भाई, तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे वहाँ पे। भाई यार आप लोग का UMP के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस है एक बार इधर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। अब देखो ये जब से अपडेट आया ना, तब से मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जब भाई यहाँ पे थर्ड जोन या फोर्थ जोन बनते हैं ना, उसके बाद ना तुम्हारी रेड डॉट हो गया, फिर स्कोप में 6x 3x 4x जो भी स्कोप उठा लो, लिटरली भाई उसकी जो सेंसी रहती है ना वो अपने आप ही हाई हो जाती है। लिटरली भाई समझ में नहीं आता कि वहाँ पर सीन क्या होता है। अब ये कोई सा भी ग्लिच है कि क्या है, लेकिन जो भी हो यार इस चीज़ की वजह से ना लास्ट जोन में खेलने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यार आप में से कौन कौन सा बंदा ये सेम टू सेम भाई ग्लिच फेस कर रहा है, मोस्टली भाई हर एक बंदा भाई ये वाला ग्लिच फेस कर ही रहा होगा, तो एक बार इधर मेरे को वो वाली चीज़ भी कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना। अभी के लिए देखो यहाँ पे फोर्थ जोन बन चुका था, अब यहाँ पे मैं जोन के सेंटर से सीधा जोन के एजिस पे आ चुका था एंड अब यहाँ पे मैं चाहता तो यार सीधा जोन के सेंटर की तरफ भी निकल सकता था, लेकिन मैं सोचा कि यार चलो जब तक अगला जोन नहीं बनता ना तब तक अपन ये वाला जो शैक है ना वही होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना अच्छे खासे किल्स भी निकाल सकता हूँ मैं। बाकी अभी के लिए यार यहाँ पे देखते देखते अगला जोन भी इधर क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था एंड अब यहाँ पे मेरे को जोन के बाहर से कूप का साउंड आता है। और यार बंदा ऑलरेडी अच्छा खासा जोन से डैमेज हो चुका था, तो एक हेड एंड एक बॉडी लगता है इजीली बंदे को निपटा देते एंड अब दूसरी तरफ यार नेक्स्ट जोन भी इधर बन चुका था। सो मैं यहाँ पे जरा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना अपनी बक्की उठाता हूँ और जोन के सेंटर में यार पुश मारने निकल जाता हूँ। अब यार यहाँ पे मैं जोन के सेंटर में तो आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आते ही भाई मेरे को बाहर की साइड एक बग्घी दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार यहाँ पे आसपास में कहीं ना कहीं तो कोई बंदा बैठा हुआ होगा एंड ऊपर साइड से हल्का सा एक बंदे का घसीटने का मेरे को साउंड भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये वाले कंपाउंड पे होल्ड नहीं करता, मैं पीछे वाले कंपाउंड पे आ जाता हूँ एंड अब यहाँ पे मैं सोच ही रहा था कि यार यहाँ पे बंदे को नेट से भरूंगा, लेकिन उतने में पीछे की साइड से एक बग्घी का साउंड आ जाता है। तो यार कंपाउंड वाले बंदे को मैं फिलहाल इग्नोर मारता हूँ एंड सीधा ये वाले बंदे को और पुश मार देता हूँ। जैसे ही बंदा बग्घी से उतरता है इजीली इसको भी भर देते। बाकी दूसरी तरफ यार यहाँ पे कंपाउंड वाला बंदा जो था ना वो फाइट में बिजी था, तो यार यहाँ पे मैं बंदे के ऊपर ग्रेनेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन 2-3 ग्रेनेड वेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे बंदा जो था ना वो बच के निकल जाता है एंड अब अगला जोन भी इधर बन चुका था। अब ये वाला कंपाउंड जो था ना वो हल्का से जोन के अंदर था, लेकिन मेरे पीछे साइड जो कंपाउंड था ना वो पूरा का पूरा जोन के अंदर था। तो मैं सोचा कि यार ये वाले बंदे के ऊपर यहाँ पे मैं और थ्रोएबल्स वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई बंदा जो है वो हर बार कवर में चला जाता है, तो फोकट में ग्रेनेड्स क्यों ही वेस्ट करना। ये वाले कंपाउंड में मस्त होल्ड करूँगा एंड जैसे जोन स्टार्ट होगा तो वो बंदे को जोन के अंदर तो
आना ही है। और गाइस एज यूजुअल जैसे यहाँ पे जोन स्टार्ट होता है, बंदा जो था वो इधर जोन के अंदर आना चालू करता है। एंड अपन ऑलरेडी बंदे के लिए रेडी थे, तो एकदम ही परफेक्ट ग्रेनेड के साथ बंदे को निपटा देते हैं। एंड अब जोन जो था वो भी ऑलमोस्ट क्लोज इन हो ही चुका था, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अब यहाँ पे पीछे की साइड कोई बंदा होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं जोन वाले बंदों को देख ही रहा था कि यार पीछे की साइड से एक और बंदा आ जाता है। अब यार बंदा इधर जोन के अंदर तो आ जाता है लेकिन ज़्यादा देर तक बचता है नहीं, एकदम ही परफेक्ट बाउंस नेट के साथ बंदे को निपटा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट जोन जो था ना वो यार पूरा का पूरा ओपन एरियाज में शिफ्ट हो चुका था। एंड अब यहाँ पे भाई ऑलरेडी बंदे वहाँ पे जाके भाई ऐसा मस्त शील्ड वील्ड लगा के बैठ चुके थे। अब यहाँ पे बस अपने को जोन के अंदर जाना था, तो यहाँ पे आसपास में पूरी की पूरी एक स्मोक होल बनाता हूँ एंड जोन के लिए निकलने का ट्राई करता हूँ। अब गाइस पहले तो मेरे को इधर लगा था कि यार दोनों के दोनों बंदे जोन के अंदर होल्ड कर रहे होंगे, लेकिन एक बंदा इधर जोन के बाहर से आ रहा था। तो अपन बंदे को जोन के बाहर ही निपटाने का ट्राई करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना वो एक बंदा ही अपने लिए दिक्कत नहीं था, पीछे वाला बंदा भी अपने ऊपर नेड कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बंदे को मारने का पूरा ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो था ना वो जोन से मर जाता है। एंड अब लास्ट में इधर 1v1 की फाइट ही बची थी। अब लास्ट वाला जो बंदा था ना वो पीछे साइड से मेरे ऊपर नेड्स तो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को ये पता नहीं चल रहा था कि यार बंदा आके नेड कर तो कर कहाँ से रहा है। सो अब यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड में हल्का सा जोन के अंदर भी जाना था, तो पहले तो सामने की साइड स्मोक करता हूँ एंड धीरे धीरे रेंगते रेंगते जोन के अंदर आता हूँ। अब यार यहाँ पे मेरे को लगा था कि यार बंदा जो है ना वो यार इधर लेफ्ट साइड में कहीं पे आ चुका रहेगा, लेकिन जैसे जोन के अंदर आके शील्ड वील लगाता हूँ ना मेरे को पीछे की साइड से बंदे का फुटस्टेप आता है। एंड जब तक देखता बंदा यहाँ पे शील्ड लगा चुका था, लेकिन यार इजीली ये वाले बंदे को भी भर देते। एंड अब ये वाला जो गेम था ना वो सीजन का पहला ही गेम था, एंड पहला ही गेम यार 11 किल के साथ चिकन पे 46 का प्लस मिलता है। सो अब सीजन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, तो ऑब्वियसली भाई आगे का सीजन भी एकदम सेक्सी जाने वाला है। सो इसी बात पे यार बढ़ते हैं आज के सेकंड गेम की तरफ। तो देखो ये वाले गेम में ना इतना खतरनाक वाला सर्वाइवल रहने वाला है ना, लास्ट में ना तो अपने पास यहाँ पे भाई कोई शील्ड रहती है ना ही कोई व्हीकल रहती है, एंड अपन जोन के बाहर भी रहते हैं। तो अब वाले गेम में भाई जोन के अंदर अपन किस तरह से जाएंगे एंड क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, स्मोक्स का अपन किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखना है आपको ये वाले गेम में। अभी के लिए तो यार यहाँ पे जोन जो था वो इधर शेल्टर के ऊपर साइड वाले एरियाज पे बना हुआ था। अब ये वाला वॉच टावर था ना वो इधर थर्ड जोन में जोन के सेंटर में था, तो मैं सीधा ये वाले वॉच टावर पे होल्ड करने आ जाता हूँ। पूरा एक जोन इधर होल्ड करने के बाद भी यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक डासे वाला बंदा आता है, इसको ईजिली किल कर देते हैं। लेकिन अगेन उसको भरने के बाद यहाँ पे वापस से मेरे को पूरा एक जोन होल्ड करना पड़ता है, एंड यहाँ पे कोई भी बंदा आता है नहीं। लेकिन अब अगला जोन जो था ना वो यहाँ पे अपने पे से शिफ्ट हो चुका था, तो अब यार यहाँ पे जोन के अंदर तो निकलना ही था। और मैं डिसाइड करता हूँ कि अगेन जोन के सेंटर में जो वॉच टावर है ना वहाँ पे जाके होल्ड करूँगा। लेकिन जैसे निकलता हूँ भाई यहाँ पे एक बंदा पीछे की साइड से मेरी बग्गी के टायर फोड़ देता है, लेकिन लकीली यार यहाँ पे वॉच टावर पे कोई बंदा होल्ड नहीं कर रहा था। अगर ये वाला वॉच टावर किसी बंदे ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया होता तो अब तक अपनी पेटी बन चुकी होती, लेकिन अभी के लिए यार यहाँ पे अगेन जोन के सेंटर में अपने को एक अच्छी खासी सेक्सी सी पोजीशन मिल चुकी थी होल्ड करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे जोन का सेंटर होल्ड करने का भाई यही फायदा होता है कि अगर तुम जोन का सेंटर होल्ड कर रहे हो ना तो आसपास से जितनी भी रोटेशंस निकलेंगे ना तुम उसके ऊपर इजीली स्प्रे ले सकते हो। एंड अगर तुम्हारा स्प्रे अच्छा हुआ तो डेफिनेटली यार तुम किसी बंदे को इजीली भर सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट जोन भी यहाँ पे बन चुका था, एंड अपन जोन के सेंटर से सीधा जोन के एज पे आ चुके थे और अब इधर जोन भी स्टार्ट होने वाला था। तो बस यहाँ पे मैं जोन के बाहर देख ही रहा था कि यार सामने साइड ओपन में मेरे को एक बग्गी वाला बंदा दिख जाता है। और लिटरली यार इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में एट द एंड बंदा जो था ना वो इधर जोन से मर जाता है, तो अब बुरा तो लग रहा था लेकिन अब कहीं पे तो गुस्सा निकालना था। और उतने में आ जाता है लेफ्ट साइड से एक और यूएस वाला।
और अब भाई यहाँ पे बंदा जो था वो शायद से जोन से डैमेज था, तो यार यहाँ पे एक दो हेड लगते हैं एंड बंदे का गेम यहीं के ये खत्म हो जाता है। अब वो बंदे को तो निपटा देते, उसके बाद यहाँ पे जोन के बाहर से लेफ्ट साइड से एक बंदा आ रहा था, इसको भी भरते एंड अब यहाँ पे लास्ट में सामने साइड एक और बंदा था। एंड भाई यहाँ पे अगेन सेम टू सेम भाई पिछली बार जो सीन हुआ था, इतनी ज़्यादा गोलियाँ वेस्ट करने के बाद एट द एंड राइट साइड वाला बंदा यहाँ पे भाई मेरा किल निकाल लेता है। सो यहाँ पे ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सीन ऐसा था ना कि मेरी जो गोलियाँ थी ना वो इतनी कम हो चुकी थी ना, यहाँ पे यूएमपी में देखोगे तो 21 गोलियाँ थी और स्कारल में यहाँ पे मुश्किल से 9 गोलियाँ थी, तो भाई मेरे को लूट तो चाहिए थी। अब आसपास में कोई भी भाई यहाँ पे पीटी नहीं पड़ी थी, तो जोन के बाहर यहाँ पे मेरे को लूटने आना पड़ता है, जल्दी सी वाले बंदी की पीटी लूटता हूँ एंड जोन के साथ ही फिर रोटेशन लेना स्टार्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे ना जो सर्वाइवल होता है वो देखना, अब भाई यहाँ पे आके ना मैं इतने गंदे तरीके से सैंडविच सिचुएशन में फंसा था ना, लेफ्ट साइड में भी बंदा था और राइट साइड में भी बंदा था। अब यहाँ पे अपने पास कोई ठोस कवर भी नहीं था, यहाँ पे अगर एक आध शील्ड भी होती तो भी कुछ हो जाता, लेकिन अब भाई यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन में तो मैं फंस चुका था। अब लेफ्ट साइड वाले बंदे को तो कुछ मार सकता था नहीं, तो मैं यहाँ पर भी डिसाइड करता हूँ कि अब राइट साइड वाले बंदे को क्लोज इन किया जाए, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी जोन के अंदर भी है एंड उसके ऊपर पुश करने का फायदा भी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये वाले बंदे पर क्लोज इन करता हूँ और गाइस जब तक ये वाले कंपाउंड तक पहुंचता भाई पीछे वाला बंदा भी इधर क्लोज आ चुका था। सो अब यहाँ पे मेरे को पता था कि यार अब अगर इसी बंदे के साथ यहाँ पे मेरी फाइट होगी ना तो कोई ना कोई दूसरा बंदा इधर थर्ड पार्टी करने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह हो जाती है कि ऊपर साइड जो बंदा था ना वो यार नीचे वाले बंदे को निपटा देते, तो बस अब यहाँ पे लास्ट में 1v1 की फाइट ही बची थी। और भाई यहाँ पे क्या होता है कि पहले इधर जैसे मैंने नीड का पिन खींचाना तो बंदा इधर जंप नहीं मारता, तो मेरे को लगा कि यार बंदा ऊपर साइड ही रहेगा तो इसको नीड करके इजीली किल कर दूंगा, लेकिन जैसे यार नीड इधर फुल कुक होता है ना उसके बाद बंदा इधर मेरे पे पुश मारने आता है। सो यहाँ पे हड़बड़ाहट में पता नहीं मैंने कहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन फिर भी यार जैसे तैसे यहाँ पे मैं 10 HP के साथ बंदे को निपटाता हूँ एंड इजी यार ये वाले गेम में भी अपने को अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। बाकी यार अगर आप डेली लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो ना तो सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेली अपन 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के आसपास तक भाई यहाँ पे स्ट्रीम करते हैं, #1 की लाइव रैंक पुश करेंगे आज से। सो जो लोग यार पूरी की पूरी मेरी रोटेशंस देखना चाहते हैं ना वो लोग तो डेफिनेट यार जाके चैनल को चेकआउट मारना एंड 10 बजे रेडी रहना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।